वेलकम बैक कमांडर्स। तो आज हम फिर से देखने वाले एक नया वीडियो टैंक आप देख ही रहे हो और बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो ये कौन सा टैंक है। ये है ऑब्जेक्ट 279 टियर 10 रिवॉर्ड टैंक, जिसको आपको सेकंड पार्ट ऑफ मिशंस करने से मिलेगा। बहुत सारे मिशंस करने के बाद आपको ये टैंक रिवॉर्ड में दिया जाता है। टियर 10 रशियन हैवी टैंक, जिसके अंदर कोई लोअर प्लेट नहीं है, जिसको चला रहे हमारे कमांडर क्रेज एनएसके फ्रॉम ओके क्लैन। आज का मैच है माउंटेन पास पर। म्यूजिक थोड़ा इंडियन सा लग रहा है, तो घोषपुर हो सकता है ये, शायद नॉर्थ इंडिया में कश्मीर वगैरह में लड़ा जा रहा हो। कितना मजा आएगा ना अगर ये टैंक हमारे इंडियन आर्मी के पास हो और उनके टैंक कुछ भी ना कर पाए। बाउंस ही बाउंस ही होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ एक हमारे इंडियन टैंक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अगर तुम लोग को लगता है कि वैसा बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखो और बताओ कि करना चाहिए कि नहीं। तो इस टाइम पे हमारा जो प्लेयर है वो 099 के थ्रू जा रहा है उस कॉर्नर पे, जो कि हमारा D87 पर है, जहाँ पर हैवी टैंक्स मैक्सिमम लड़ते हैं, और दूसरी तरफ से हैवी टैंक्स जो ऊपर जो पीछे ग्लेशियर पास है वहां से आते हैं पीछे की बे तरफ अपने बेस से। और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट 140, थोड़ा सा टक्कर हो गई, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन मिलेगा। ओह, FV215B स्नैपशॉट सीधा लोअर प्लेट में उसके। टाइप 5 हैवी भी आ रहा है शायद। यस, टाइप 5 हैवी भी है, टॉर्टोइस भी है। ओ माय गॉड, इसको ट्रैक कर दिया FV215 बहुत गलत पोजीशन पर। यस, टाइप 5 अपना पहला शेल बाउंस कर चुका है, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली हैवी शेल फायर कर रहा है, एपी शेल फायर कर रहा है। E75 भी है, वेरी नाइस, टियर 10 जर्मन टैंक। T30 भी है, टियर 10 अमेरिकन टैंक डिस्ट्रॉयर, जिसका आर्मर जो है बहुत ही खतरनाक है। अब हाई एक्सप्लोसिव फायर कर रहा है T5, टाइप 5 जर्मन नहीं, जर्मन नहीं, जापानीज टियर 10 हैवी टैंक। ये रहा टॉर्टोइस, कम डैमेज करता है लेकिन बहुत रैपिड फायर करता है, बड़ी जल्दी फायर करता है। आउटलाइन क्यों नहीं दिखी मुझे समझ में नहीं आया, टैंक की आउटलाइन लगता है इसके साइड टारेट में देगा। नहीं, T30 को डैमेज कर दिया है। टियर 10 मैच है। अब ये टैंक, दुश्मन का टैंक क्रॉस फायर में बीच में फंस चुके हैं। वहां पर टाइप 6 T1 और T30 मिडल ऑफ द मैप और प्रोजेक्टो 65 भी साथ में। तो आप येलो व्हाइट सर्कल तो देख ही रहे हो, तो मोस्ट ऑफ हमारी टीम वहां से जो है इनके ऊपर शूट आउट कर रही है, और ये लोग को क्रॉस फायर में आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बैड पोजीशन होती है फंसने के लिए। अगर आप क्रॉस फायर में फंस गए तो आपको बचाया नहीं था। ओ, FV215 नीचे उतर के आ गया है, बहुत ही बढ़िया, जिसको हमारा प्लेयर ने स्पॉट कर लिया है। इस टाइम पे क्या कि ऑब्जेक्ट 279 सिर्फ अपना लोअर अपर प्लेट ही दिखा रहा है इनको, और FV215 डिस्ट्रॉय भी कर दिया क्या है, वेरी वेरी नाइस। E75 हाई एक्सप्लोसिव फायर कर रहा है, टॉर्टस ने गोल्ड राउंड फायर करने शुरू कर दिए। टाइप 5 हैवी, ओ माय गॉड, लगता टाइप 5 हैवी ने को किसी ने, एक और ने मारा है। टाइप 61 डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। टॉर्टस को डैमेज नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, लो हेल्थ पर है।
E75 वहां से फिर दोबारा हाई एक्सप्लोसिव फायर कर रहा है, सब बाउंस कर रहे जा रहे हैं भाई। कह रहा है 4000 डैमेज, 4000 के ऊपर डैमेज हो चुका है, 3500 के आसपास तुम्हारा बाउंस कर दिया है। ए हो, बहुत सॉलिड ट्रैक उड़ा दिया है, एक और बाउंस। लेकिन ये हाई एक्सप्लोसिव का बाउंस है तो ये मेरे ख्याल से काउंट नहीं दे रहा है, नॉन पेनिट्रेटिंग बाउंस है ये तो ये नहीं आएगा। वेरी नाइस, T30 कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये आ गया है हमारा TVP T10 ऑटो लोडर मीडियम टैंक, ये बहुत परेशान करेगा। कोई इसकी मदद कर दो भाई, अरे मदद कर भाई, ऑब्जेक्ट 140 कहाँ जा रहा है? अबे अरे नहीं, मदद कर, क्या कर रहा है? अल्टीमेटली आ गया है, पैटर्न को उड़ा दिया इसने, पैटर्न ने किसी को उड़ा दिया है शायद दूसरी टीम ने। और ये लेपर्ड पीटी है यहां से भाग रहा है क्योंकि इसको पता है कि वो यहां पर ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ये रहा E75, लगता है यहाँ पर साइड स्क्रैप करना पड़ेगा लोअर प्लेट पे। E75 ने हाई एक्सप्लोसिव राउंड फायर किया है ट्रैक्स में, जो कि बहुत सारे हैं, ज्यादा एम करने की जरूरत नहीं है, लोअर प्लेट की फायर करो और ट्रैक तो उड़ाई देखो। E75 के लोअर प्लेट में अगर ऑब्जेक्ट 140 पीछे रहा तो ज्यादा अच्छा है। हाई एक्सप्लोसिव्स, ये किल शॉट होना चाहिए, यस किल शॉट, बहुत ही बढ़िया। और देखते देखते 8-9 मैच है, अभी भी कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो हर मैप के लिए हर टैंक बढ़िया नहीं होता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट 279 है, आरएनजी इसको सपोर्ट करेगी। देख रहा है कॉर्नर पोक करके, देख रहा है कोई यहाँ पर है कि नहीं। ये रहा शायद M48 पैटर्न, ऑब्जेक्ट 704 पीछे ही है, उसको पीछे रहने का ही बोला गया है कि भैया तुम पीछे ही रहो, आगे मत आओ क्योंकि सिचुएशन डेंजरस होने वाली है और तुम्हारे पास टैरेट रहा है नहीं। अब मेरे ख्याल से लेपर्ड पीटीए उस तरफ से आ रहा है, रियर साइड से शॉट नहीं लेना है। ओके, चार फतूर IS-3/3, IS-3/2 तुम्हारा बेस पर है, हाँ पास एक आरटी भी है। सुपर कॉन्करर आ चुका है, ये थोड़ा सा सिचुएशन लेपर्ड पीटीए को उड़ा दिया है ऑब्जेक्ट 704 ने, ये ट्रैक डैमेज हो गया। ओह माय गॉड, वेरी लकी शॉट, एम मोराक उड़ा दिया है सुपर कॉन्करर का। तो आप लोगों को अब तक पता ही चल ही चुका होगा एम मोराक देखने का कि एम मोराक होता कहाँ पर है टैंक का। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो जब टैंक आपके सामने होगा, आपको फेस कर रहा होगा, वो उसके राइट साइड के जो ट्रैक है उसके बस जस्ट पास में ही होता है, क्योंकि मैंने ऐसे करके मैंने खुद भी काफ़ी सारे टैंक्स के एमोरैक्स उड़ाए हैं। सुपर कॉन्करर का खैर इस तरफ ही होता है, खासकर ऑब्जेक्ट 705 का भी शायद इसी साइड पर होता है, क्योंकि मैंने एक बार उसको जियाक टाइगर से E-100 से शूट किया था राइट साइड में, तो उसका एमोरैक वहीं था और एक्सप्लोजन का फट गया एक ही राउंड में। मुझे इसलिए पता कि वो हीरो में पड़ गया क्योंकि उसमें मेरे क्रू में कोई अगर मॉड्यूल डैमेज है टैंक का तो वो बताता है, वो डिटेक्ट कर देता कमांडर, वो स्किल है मेरे पास। ओके, अब 704 को स्टैंडर्ड बी ने मार दिया है, ऊपर से मारा है उसने,
अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन आता है कौन, यहाँ पर आर्टिलरी को देखना पड़ेगा, आर्टिलरी है कहाँ पर, शायद पैटर्न भी यहीं कहीं हो। आर्टिलरी वहां नहीं है, आर्टिलरी ऊपर है। ओ माय गॉड, मिस कर दिया आर्टिलरी ने। ये स्नैपशॉट, ये आ गया है पैटर्न, ऑटो लॉक एंड फायर। इस तरह की पोजीशन में ऑब्जेक्ट 27 ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हाई पॉइंट पर, हाई ग्राउंड पे है, तो उसकी अपर प्लेट को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका एंगल इतना बढ़ चुका होता है कि तुम फायर करोगे तो बाउंस ही हो जाएगा। 70 डिग्री से ऊपर होता है, कभी करीब करीब 90 डिग्री के आसपास होता है, तो मुश्किल ही है पेनिट्रेट करना। सेम चीज़ का बेनिफिट यूडिस को भी मिलता है। यूडिस स्टाइल के जो टैंक है तुम्हारे, मीडियम टैंक्स जो पॉलिश मीडियम टैंक आए नए वाले, उनको भी मिलता है। पॉलिश या स्वीडिश ये ध्यान नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड भी बचा हुआ है, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं रीसेट करने के लिए, और आता है तो कहां से आता है। हमारा प्लेयर सामने की तरफ रखा और ये आ गया। वाओ, ट्रैक कर दिया है, एक शॉट एक्सचेंज किया और आर्टिलरी ने इसको फिनिश ऑफ कर दिया। वेरी वेरी नाइस, क्या बात है। अब जरा और देखते हैं कहां पर शॉट्स लगे हैं हमें। फ्रंट और अपर प्लेट में भी मारा, किसी ने ऊपर से ही मारा होगा तभी जाके लगा ये। शायद उस टॉर्टॉइज का था शॉट, बाकी तो तुम्हारा साइड में आके मारा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है ठीक से। एक रियर ऑफ द टर्रेट भी लगा है, शायद जब घूम गया था टर्रेट उस टाइम पे, देख ही रहे हो। चलो एंड प्लेट्स भी देखते हैं आप। ओके गाइस, सो ये रही हमारी एंड प्लेट्स, जरा इन्हें देख लेते हैं। एस टैंकर हमें मिल चुका है, हैंड ऑफ गॉड, स्पॉटर स्पॉट किया है 6 टैंक्स को, ब्रूजर, डेमोलिशन एक्सपर्ट, एक बहुत ही बेहतरीन एमोरैक ऑन सुपर कॉन्करर, फायर फॉर इफेक्ट, ड्यूलिस्ट, शेल प्रूफ, स्पार्टन शेल स्टील वॉल, हाई कैलिबर और टॉप गन फॉर किलिंग 6 टैंक्स। अब जरा सुपर कॉन्करर देखते हैं 3 शेल्स में कितना डैमेज किया है, 2400। एमोरैक तो कम्प्लीटली उड़ा ही दिया था इसका। T-30 के 4 शेल बाउंस करे हैं, क्या बात है। E-70 का वो 1500 डैमेज किया है, तुम देख ही रहो कितने, 3900 के आसपास तुम्हारा बाउंस किया है। असिस्ट डैमेज 1800 है, 11,946, 12,000 थोड़ा सा ही कम। मैं तुम्हारा एक शेल का 1/6, करीब करीब तुम्हारा, हाँ एक शेल का 1/6 ही हुआ, 12,000 डैमेज, तो करीब करीब हमारा पहुंच गया है, तुम्हारा 12,000 से ऊपर तो पहुंच ही गया इजीली। क्या फर्क पड़ता है अब, 6 टैंक्स और डिस्ट्रॉय, 6 को स्पॉट किया है, वाह। टीम स्कोर देखते हैं, टीम स्कोर में कितना है, 17,925 तुम्हारा बेस एक्सपी है, यहाँ पर देखिए रहो क्रेडिट्स 1,48,000, 7 बॉन्ड्स, बॉन्ड ज़्यादा नहीं मिले, बट अब स्पेशल है वो फायर किया है तो उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। 98,000 समथिंग, 10 मिनट्स का बैटल रहा, यहाँ पर देखो कितने शॉट फायर, 37 में से 34 डायरेक्ट हिट हुए और पेनिट्रेट 28 हुए। नाइस, काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन वो है रेशियो, और हिट्स रिसीव किए 24, उसमें से 5 पेनिट्रेट हुए और 14 बाउंस हुए, बहुत ही बढ़िया। बेस कैप्चर डिफेंस पर लास्ट में तुम्हारा स्टैंडर्ड बी को धोखे से बुलाने के लिए, ताकि उसको मारा जा सके। ओके गाइस, कैसा लगा ये रिप्ले, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ये चैनल थोड़ा बढ़ सके, थोड़ा ब्लो अप हो सके, फिर हम देखते हैं कि आगे आगे और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं उसे ग्रो करेंगे,
तो बढ़िया कंटेंट और बनेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।